ऑटो रिसर्कुलेशन वाल जिसे ARC भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑटो रिसर्कुलेशन क्या होता है? ये बॉयलर फिट पंप में लगे होते हैं। क्या काम है इसका BFP में? जब बॉयलर फिट वाटर पंप को चालू किया जाता है तो उस समय बॉयलर फिट वाटर पंप का डिस्चार्ज को बंद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो फीड पंप की जो ड्राइव है वो स्टार्टिंग में उसका करंट कम करने के लिए, यदि करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, ड्राइव जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसी दरमियान जब वाटर का एक निश्चित अमाउंट जो पंप के अंदर अगर फ्लो नहीं होगा तो उस कंडीशन में पंप के अंदर एक हीट जनरेशन चालू हो जाता है और पंप बंद हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक ऑटो रिसर्कुलेशन के थ्रू एक मिनिमम फ्लो वाटर लाइन प्रोवाइड किया जाता है। तो शुरू में क्या होता है, ये वाल्व का जो डिस्चार्ज पोर्ट है वो बंद रहेगा स्प्रिंग के थ्रू और मिनिमम फ्लो लाइन का पोर्ट है वो ओपन रहेगा। और जब पंप जो है वो फुल स्पीड में आने के बाद, जो पंप के द्वारा प्रेशर जनरेट होने के बाद, इसमें क्या होता है, ये यहां से डिस्चार्ज पोर्ट वो ओपन हो जाता है उस प्रेशर से और मिनिमम फ्लो लाइन का जो पोर्ट है वो क्लोज हो जाता है। क्योंकि ये दोनों जो वाल्व है वो इंटरकनेक्ट रहता है एक दूसरे से। और जो मिनिमम फ्लो लाइन है इसको, इसके जो रूट को डायरेक्ट क्या करते हैं, ये डायरेक्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें, इस लाइन में एक आइसोलेशन वाल्व और एक NRV लगे होते हैं। तो इस तरह से ये ऑटो रिसर्कुलेशन वाल्व BFP में यूज किया जाता है।